वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें फिल्म ने 1990 के दौरान कश्मीरी घाटी में कश्मीर पंडितों के पलायन के मुद्दे को दर्शाया है। बता दें इस बीच संसद में भी पंडितों के पलायन का मुद्दा उठा। जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। वहीं आपको बता दें कि सदन में जम्मू कश्मीर के बजट पर हुई चर्चा में जितनी बार बजट को लेकर हुई उतनी बात उससे कई ज्यादा चर्चा जो है आतंकवाद को लेकर हुई, धारा 370 और पंडितों के पलायन को लेकर हुई। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने कश्मीर घाटी से हुए पंडितों के पलायन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला तो विपक्ष ने सरकार से पूछा कि इन पंडितों को वहां क्यों नहीं बसाया जा रहा है। वही चर्चा के दौरान कई सांसदों ने पीओके का मामला भी उठाया। बता दें बीजेडी के भरथरी मेहताज, बीजेपी के जमयाग शेरिंग और जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ज्यादा के बजट के में पीओके को लेकर सांकेतिक तौर पर अलग बजट बनाने का सुझाव दिया। तो एक तरफ जहां पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक की बात करें तो इस पर बवाल मचा हुआ, और ऐसे में संसद में कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा गूंज उठा है। तो एक तरफ जहां कश्मीर फाइल्स की बात करें तो पीओके के लिए अलग बजट बनाने की मांग की गई, इसी के साथ ही कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा भी संसद में गूंजा। तमाम सांसदों ने इसका मुद्दा भी उठाया संसद में। वही खबर चमोली से जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग विष्णुप्रयाग के पास सड़क पोकलैंड अचानक पलट गया जिससे राजमार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। बता दें गनीमत रही कि कोई जन हानि नहीं हुई, जिसके बाद जीसीबी मशीन से पोकलैंड को उठाकर सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। बता दें जिससे यातायात सुचारू रूप से चल पाया। तो अचानक पोकलैंड पलट गया, हालांकि कोई हानि जो है वो नहीं हुई।